अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल जैनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। हियर आर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग मास्टर और बीएस इन इंग्लिश कैन सीक हेल्प। अवर टुडेज कोर्स इज मैक फ्लॉकन। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई न्यू वीडियोज। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. If you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Zanie Study Instruments Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Mac Flecken, written by John Dryden. Discuss Mac Flecken as a satire, personal satire. Mac Flecken is a mock heroic poem written by John Dryden sometimes between 1678 and published in 1682. ये poem John Dryden ने लिखी और तकरीबन 1678 में लिखी और पब्लिश हुई 1682 में। It is a satirical poem of Dryden, और ये Dryden की एक satirical poem है। By John Dryden is a satire in verse about a fellow poet and contemporary of Dryden named Thomas Shadwell. और ये मैक फ्लेकन जॉन ड्राइडन ने लिखी एक स्टायर वर्ड्स के तौर पर, जिसमें फेलो पोइट और कंटेम्पोरेरी ऑफ ड्राइडन यानी के थॉमस शेडवेल नामी एक पोइट थे उनके बारे में लिखी गई। दिस पोइम कैन बी कंसिडर्ड अ पर्सनल स्टायर बिकॉज इट हाईलाइट्स एंड अटैक्स द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल नेमली थॉमस शेडवेल। और ये पोइम कंसीडर की जाती है पर्सनल स्टायर के तौर पर क्योंकि इसमें हाइलाइट्स किया गया, अटैक्स किया गया है शॉर्ट कमिंग स्पेसिकली थॉमस शेडवेल नामी एक पर्सनैलिटी पे। अ स्टायर इज अ लिटरेरी फॉर्म डेट शाइन्स अ लाइट ऑन द फ्लॉज ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन और अ सोसाइटी इन द होप्स डेट सच प्रॉब्लम विल बिकम नाउ बाय द पब्लिक। और एक स्टायर लिटरेरी फॉर्म है जो कि एक तंज एक अदबी शक्ल है जो किसी फर्ज या माशरे के खामियों पर इन उम्मीदों पर रोशनी डालती है इस तरह के मसाइल अवाम की पहचान बन जाएं। हेयर ड्राइडन सब्जेक्ट अ पोइट नेम शेडवेल इज सटराइज्ड बाय द स्पीकर ऑफ द पोइम फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इन विच शेडवेल इज आइडेंटिफाइड एज द सन ऑफ अ किंग ऑफ प्रोज एंड वर्ड्स हु रूल्स ओवर द रियल्म्स ऑफ नॉन सेंस। और यहाँ पर ड्राइडन के मौजू शेडवेल नामी एक शायर को पहले रबात के आगाज से ही नज़म के स्पीकर ने तंज किया है जिसमें शेडवेल की शनाख्त नसर और नज़म के एक बादशाह के बेटे के तौर पर की जाती है। अ किंग मस्ट सेलेक्ट वन ऑफ हिज सन टू टेक हिज प्लेस एंड ही चूजेस शेडवेल हु इज डिस्क्राइब्ड इन सेट्रिकली डिएबोलिकल टर्म्स। और वो अदम एहसास के रेलम पर हुक्मरानी करता है। बादशाह अपनी जगह लेने के लिए अपने किसी बेटे को मुंतखब जरूर करता है और वो शेडवेल का इंतखाब करता है और वो और जो तंजिया अंदाज में बयान किया जाता है। He described as mature in dullness from his tender years. He is known to be confirmed in full stupidity. और ये इन टेंडर सालों से है हसी में बालक के तौर पर बयान किया गया है। वो मुकम्मल हमाकत की तस्दीक करते हैं एंड ही इज अ पर्सन हु नेवर डेविएट्स इनटू सेंस। और वो एक ऐसा शख्स है जो कभी भी अकल से इनहराफ नहीं करता। जस्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टैंजा द राइडर कैन आइडेंटिफाई सम सीरियस इंसल्ट्स बीइंग लेवल अगेंस्ट शेडवेल। और ये वो एक ऐसा शख्स है जो कभी भी अकल से इनहराफ नहीं करता। सिर्फ बहुत पहले रबाई से कारी कुछ संगीन तुहीन शेडवेल के खिलाफ लगाए जाने की शिनाख्त कर सकते हैं। थ्रू आउट द लेंथी पोइम ड्रेडन डज नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटीज टू मेक फन ऑफ शेडवेल एंड हिज पोइटिक स्टाइल। तवील नज़म के दौरान ड्रेडन शेडवेल और इनके शायराना अंदाज का मजाक उड़ाने के कोई मौका जाया नहीं करते। ड्रेडन यूजेज अ ह्यूमरस आयरोनिकली एलिवेटेड डिक्शन एंड टून थ्रू आउट द पोइम।
ड्राइडन पूरी नज़म में एक मजाया सितम ज़रीफ़ी से बुलंद डिक्शन और सर का इस्तेमाल करता है, विच इम्फसाइजेज द स्टायर इवन मोर पॉइंटेडली। अ पोइट हैज़ पेड हार्डली डिजर्व्स द हेरोइक ट्रीटमेंट ड्राइडन ऑफर्स, और जिसमें तंज पर भी ज़्यादा नुक्ताचीनी से जोर दिया जाता है। एक शायर या बुरा मुश्किल से बहादुर सलूक ड्राइडन पेश करने का मुस्तहिक है। देन unless of course the heroic language is mock heroic and ironic, which of course it is। जब तक के बेशक बहादुर जबान तंज मजार जतम सतम जरीफी का शिकार ना हो, जो जो यकीनन ये है। By the end of the poem, Dryden even surprises Shadwell on attempts at writing satire। नज़म के इख्तिताम तक ड्राइडन भी शेडवेल की अपनी कोशिशों को तंज करते हुए तंज करते हैं। द इन ऑफेंस स्टायर्स नेवर बाइट, और नज़म के इख्तिताम पर ड्राइडन भी शेडवेल की अपनी कोशिशों को तंज करते हुए तंज करते हैं। आपकी बेइज्जती करने वाले तंज कभी नहीं काटते। द लास्ट लाइन ऑफ द पोइम डिलीवर्स द डेथ ब्लो टू शेडवेल, और नज़म की आखिरी सतर शेडवेल को मौत का धचका पहुंचा है। बाय अक्यूजिंग शेडवेल ऑफ हैविंग मोर देन हिज शेयर ऑफ हिज इन्वेटेड फादर्स गिफ्ट फॉर टेरिबली पोएट्री, वालद के शेडवेल पर इल्जाम लगा कि खौफनाक शायरी के लिए अपनी ईजाद करता वालद के तोहफे में से अपने हिस्से से ज्यादा हिस्सा रखने का। ड्राइडन लीव्स टू राइडर विद नो डाउट रिगार्डिंग हिज स्कॉर्न फॉर शेडवेल एंड हिज राइटिंग, ड्राइडन ने शेडवेल और अपनी तहरीर के लिए अपने तंज के हवाले से कारी को बेशक छोड़ दिया है। गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।